तो हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंटू दे ब्लॉग्स। अगर आप लोग कभी भी उमरांगसू आते हो तो आप लोगों को कौन सा होटल में रुकना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को होटल लिली में रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लो बजट से लेकर हाई बजट का रूम मिल जाता है, सिंगल बेड से लेकर डबल बेड तक और फैमिली के रहने के लिए भी रूम मिलता है। तो चलिए मैं सीधा चलता हूँ, ओनर से बात करता हूँ और आप लोगों को रूम दिखाता हूँ और इसके फैसिलिटीज के बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो आप लोगों को सीधा ओनर से मिलाते हैं। तो इस रूम का ओनर आप ही हैं? जी। तो होटल का ओनर, मैं होटल का ओनर हूँ। अच्छा, होटल का ओनर हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर टोटल कितना रूम है? मेरे पास मोटामोटी 20-25 रूम है। 25 रूम है। तो आप लोगों ने सुना यहाँ पर टोटल 25 रूम है, 25 रूम है। बजट कैसा? बजट के हिसाब से जैसे कि डबल रूम 500 से लेकर के आपको 800 डबल रूम, जनरल बेड भी है, अटैच बाथ भी है, डॉर्मेटरी भी है, आपको दिखा दूंगा मैं कैसे कैसा लेना है, पहले सब रूम देख के बात कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना क्योंकि आपका अगर अटैच बाथरूम चाहिए तो उसमें आपका प्राइस ज्यादा है और अगर विदाउट अटैच में होगा तो उसमें कम है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को अंदर जाके दिखाता हूँ रूम कैसा है, आप लोग खुद देखिए तो आप लोगों को मालूम चलेगा। आप दिखा सकते हो? जरूर जरूर, आइए आप आइए। तो चलिए रूम का टूर करते हैं। आपका इधर बेसिन भी लगा हुआ है। इस रूम का प्राइस कितना होगा? इसका 800, दो आदमी का 800, दो आदमी का 800। जी जी। चलिए अभी नेक्स्ट रूम पर चलते हैं। जनरल रूम, जनरल रूम इसका 500 है, डबल रूम का 500। ये जनरल रूम है, इसमें आपका बाथरूम अटैच नहीं है, कॉमन बाथरूम होगा इसका 500। इसका 500 जी। तो चलिए अभी दूसरा रूम पर चलते हैं। ये हो गया सिंगल अटैच, सिंगल अटैच, ठीक है। ये सिंगल अटैच है, इसका है, इसका 500, इसका 500 जी, इसका 500। अंदर का सीन दिखा देता हूँ। आपका प्राइस है इसका 500 अटैच। और कोई रूम है आपको? हाँ मैं दिखा। तो चलिए दूसरा रूम पर। ये सब कॉमन टॉयलेट्स है, कॉमन टॉयलेट तो देख रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर और रूम है। गाइस टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को जैसा चाहे वैसा रूम मिल जाएगा। यहाँ पर क्या खाली है रूम? यहाँ पे इसका है, यह में टोटल 5 बेड है। इसका 5 बेड है, इसका 300 पर बेड। अगर आप लोग ग्रुप में आते हो तो उसके लिए भी आप लोगों को रूम मिल जाएगा, उसके लिए भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और इसका आपका हर बेड का प्राइस 300 ज्यादा प्राइस नहीं है। गाइस अगर उमरांगसू आते हो तो यहाँ पर जरूर आइए। अच्छा इसका अंदर भी दिखा देते हैं, इसका बाथरूम अटैच है, देख लीजिए। हाँ ये भी अटैच है, देख लीजिए। इसमें भी कुमार सिस्टम का है, जनरल भी है, ओवर भी है। अच्छा सर, एक ग्रुप का है ना? एक ग्रुप का है। तो देखिए गाइस ये अभी मतलब यहाँ पे खाली है, सेम है वो जो आप दिखाए ग्रुप में। अगर आएंगे तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं, यहाँ पर भी रुक सकते हैं, आपका रूम है। ये मत सोचिए कि सिर्फ एक ही रूम है, नहीं नहीं काफी है, आपका रूम मिल जाएगा, अवेलेबल रूम है। इधर से मार्केट जा सकते हैं, इधर से मार्केट जा सकते हैं, थोड़े से बात करेंगे ओनर से। तो चलिए पहले हम लोग रूम पर चलते हैं, वहां पे जाके बात करते हैं।
चलिए चलिए आप चलिए। तो गाइस देखिए, हम लोग कल यहीं पे ठहरे थे क्योंकि हम लोग आए थे उमरांशु, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसलिए सोचा कि आप लोगों को इस रूम के बारे में बोल दिया जाए ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो यहाँ पर आकर। आप लोग उमरांशु आकर वहाँ से 1 किलोमीटर होगा ना, 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा, आप लोग सीधा आ जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा घर पर दिल्ली होटल बोल के लिखा होगा। तो मैं और कुछ जानना चाहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ रूम ही मिलता है या कुछ नाश्ता वगैरह? ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपका रूल रेगुलेशन कुछ है? ऐसे कुछ नहीं है, जैसे कि आपको ठंडा दिन हो गया तो गर्म पानी को चाहिए तो हम प्रोवाइड कर देते हैं। आईडी आपको लेना? आईडी चाहिए आप ठीक है तो हम ठीक है। आप ठीक है, अगर आप लोग आएंगे तो आईडी साथ में लेके आइएगा। रूम कितने बजे तक खुला रहता है गेट? हम लोग रात 9 बजे बंद करते हैं। 9 बजे बंद? नंबर दे दूंगा आपको, रात को अगर खोलना भी होगा आपको फोन कर दीजिए, मैं खोल दूंगा। अच्छा, तो आप लोगों ने सुना, अगर आप लोग यहाँ पे रुकते हो तो 9 बजे से पहले आप लोगों को जाकर बाहर से नाश्ता करके आना पड़ेगा क्योंकि 9 बजे गेट लॉक हो जाता है। 9 बजे के आगे ही आपको जो करना है करके आना पड़ेगा, बाहर से खा के आना पड़ेगा। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।